साथियों बहुत बहुत करता हूँ स्वागत आप सभी का अपने चैनल टेक स्टडी एंटरटेनमेंट पे। आज 16 अक्टूबर है और कल 17 अक्टूबर तक बिहार बीएड काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तिथि है। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द यहाँ पे कर लेंगे और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि फर्स्ट काउंसलिंग आप बिल्कुल मत छोड़ना, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। आइए शुरू करते हैं। आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सीटी बीएड काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कल तक, ठीक है, आज 16 है और कल 17 है, इसकी आखिरी तिथि है। अब यहाँ पे देखेंगे यह न्यूज जो है पटना से आई है। सीटी बीएड की काउंसलिंग के प्रथम चरण के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है और यहाँ पे बहुत समस्याएं स्टूडेंट को आ रही है। और यहाँ पे मेरा मानना है, अगर मेरा ओपिनियन आप पूछिएगा, मेरा मानना है तो यहाँ पे तिथि को आगे बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, और बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है, तो कम से कम फी पेमेंट करने की तिथि को बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे मैं ये नहीं कहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन करने की तिथि को बढ़ाया जाए, आप दूसरा रजिस्ट्रेशन लीजिए सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए, लेकिन यहाँ पे फी के लिए 1 से 2 दिनों का समय देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी तक फी पेमेंट नहीं किया है। क्योंकि जब वे पेमेंट कर रहे हैं तो उनको परेशानी हो रही है, उनका पेमेंट पेंडिंग में चला जा रहा है और कोई भी वहां से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो मैं आपको फिर से प्रेफर करूंगा कि आप जो है हेल्पलाइन नंबर पर आज कॉल कीजिए, 5 नंबर दिया हुआ है, थोड़ा सा ट्राई करेंगे सभी नंबर पर तो आपको लग जाएगा। बिजी नंबर आता है लेकिन उसको 1-2 बार ट्राई करते रहिएगा तो कॉल उस पर लग जाता है और वहां से अपनी प्रॉब्लम बता के समस्या का समाधान पा सकते हैं। अब देखेंगे 17 अक्टूबर तक सफल छात्रों के द्वारा काउंसलिंग के लिए पंजीयन, प्राथमिकता के आधार पर नामांकन के लिए बीएड कॉलेजों का चयन, काउंसलिंग के लिए पंजीयन शुल्क, आंशिक नामांकन शुल्क जमा करने की तिथि है। यहाँ पे सारी बातें दी गई है कि आंशिक नामांकन जो शुल्क जमा करने की तिथि जो है 17 अक्टूबर तक रखी गई है, अभी इसको बढ़ाया नहीं गया है और आगे मुझे नहीं लगता है कि ये लोग बढ़ा पाएंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना था कि इनको 2 से 3 दिनों का समय भी देना चाहिए एक्स्ट्रा, और नहीं तो अपने जो है जो भी सॉफ्टवेयर है उनका जो भी सर्वर इधर आ रहा है उनमें सुधार करें ताकि स्टूडेंट कल तक भी पेमेंट अपना कर सके, उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे सभी स्टूडेंट ने फॉर्म तो भर लिया, सिर्फ पेमेंट करने में उनको दिक्कत आ रही है। अब यहाँ देखेंगे इसके बाद 21 अक्टूबर को पहली काउंसलिंग में नामांकित छात्रों की सूची जारी की जाएगी, यानी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट होगी वह 21 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इसी दिन से छात्र जो है 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आंशिक फीस के रूप में 3,000 रुपये जमा लेकर नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा, यानी कि आपको वहाँ पर 3,000 रुपये जमा करना है। जैसे ही आप जमा करते हैं तो आपका कन्फर्म हो जाएगा कि आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। फाइनल अलॉटमेंट की सूची जो है 3 नवंबर को जारी होगी, इसके बाद, ठीक है, इस प्रकार से दूसरे और तीसरे राउंड में नामांकन होगा। देखिए दूसरे और तीसरे राउंड में नामांकन तब होगा जब उसमें सीटों की संख्या बचेगी, और सीटों की संख्या फ्रेंड्स बचने वाली है क्योंकि सभी इसमें एडमिशन नहीं लेने वाले हैं। अपने हाल ही में देखा जो बिहार बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं 4 वर्षों का, उसमें से आधे से भी कम स्टूडेंट वहाँ पे काउंसलिंग में गए, ठीक है, पास होने के बावजूद भी। तो वही हाल यहाँ पे होने वाली है फी को लेकर। वहाँ भी 3 लाख रुपए रखा गया था 4 साल के लिए, 75,000 फर्स्ट ईयर रखा गया था, और यहाँ भी 75,000 हो जाएगा प्राइवेट कॉलेज के लिए पर ईयर, तो यानी 1.5 लाख रुपए होगा। तो ये 1.5 लाख रुपए की रकम बड़ी होती है, इसलिए सभी स्टूडेंट यहाँ पे काउंसलिंग नहीं करेंगे और 3,000 रुपए पेमेंट भी यहाँ पे नहीं करेंगे। दूसरे और तीसरे राउंड की काउंसलिंग की भी यहाँ पे संभावना है। और रही बात कि आपने अगर तक अभी तक काउंसलिंग नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आप कीजिए तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। मान लेते देखिए आपको लगता है कि फर्स्ट में नहीं हो लेकिन कहीं हो जाए, ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट काउंसलिंग में आप कीजिए, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप सेकंड तो काउंसलिंग करने जाने, आखिर जब आप सेकंड काम करने जा रहे हैं तो आप फर्स्ट काम क्यों नहीं करेंगे? सेकंड के लिए तो आपको पैसा फिर से देना नहीं होगा, फर्स्ट पे ही आपका काम होगा। अगर फर्स्ट में लिस्ट नहीं आया उसमें आपका नाम तो आप फर्स्ट में काहे नहीं करेंगे? तो इसलिए आप फर्स्ट में ही कीजिए, सेकेंड का आप इंतजार मत कीजिए। और आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे यही कहनी थी कि आप फर्स्ट काउंसलिंग जरूर करेंगे, चाहे अगर आपने अभी तक कर लिया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं की होगी तो आप यहाँ पे कर लेंगे, आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, धन्यवाद।